जय श्री राम। दादा दादा फोटो खींच दो। प्रशासन की तरफ से इनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है इनका हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जो भी क्षतिपूर्ति देना होगा शासन द्वारा दिया जाएगा। अभी हम सब लोग यहाँ पे कटरी कासिमपुर गांव में खुद खड़े हुए हैं। करीब 30 परिवारों का घर जो है डूब गया है। उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उनको उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। हम अपने ग्राम प्रधान और लेखपालों के माध्यम से इनको भोजन वितरित करा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सब लोग सुरक्षित रहें। सर कुल कितने गांव प्रभावित हुए हैं? कुल हमारे 6 गांव प्रभावित हुए हैं जो इनका जो डूब क्षेत्र वाला एरिया है। लेकिन गांव अगर देखा जाए आवासीय एरिया के करीब 35 घर हैं जो कटरी कासिमपुर में हैं। बाकी में आवासीय एरिया प्रभावित नहीं है। फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल अभी जो नई बोई गई थी आलू और सरसों की फसल है तो डूब चुका है। बाकी के लिए हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं। डूबा तो काफ़ी चीज़ें हैं। अलर्ट कितने गाँव के लिए जारी किया गया? अलर्ट इन 6 गाँव के लिए जारी किया गया है जहाँ पर हमारा फ्लड एरिया है।